हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षा ठाकुर है। स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल में स्टडीफाई में। तो आज चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस बचा रह गया था उस क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग को डिस्कस करना था। तो बैटल ऑफ टेरेन वॉज फॉट बिटवीन, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है फ्रेंड, तो ये तो पता ही है। ये किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1191 में हुआ था, फिर 1192 में हुआ था। 1191 वाला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, बाकी 1192 वाला युद्ध जीत जाता है मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी अपना बहुत अच्छा खासा सेना को लेकर के आता है पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। पृथ्वीराज चौहान को बोला जाता है कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान रिफ्यूज़ कर देते हैं, बोलते मुझे मरना पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं कभी कन्वर्ट नहीं होऊंगा और यहाँ से निकल जाओ। तो पृथ्वीराज बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उन्हीं के कुछ साथी ने उन्हें धोखा दे दिया था, तो उसी के कारण इनको हारना पड़ता है। तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया। देखिए 1191 वाला लड़ाई के बारे में बताया गया। 1191 और 1192 दो दो बार आपका युद्ध होता है, ठीक है। देखिए, हालांकि आपका पृथ्वीराज चौहान का सेना बहुत बड़ा था, तकरीबन आपका 3 लाख था, और मोहम्मद गौरी 1,20,000 सेना को लेकर के आता है, ठीक है, और कितना एलिफेंट्स भी था, 3,000 था, फिर भी मतलब मोहम्मद गौरी जीत जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि धोखेबाज धोखा बस धोखा, ये रीज़न क्या था जीतने का? धोखा। अब ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर कंप्राइजेज अबाउट 30,000 लाइन्स ऑफ अ पोएट्री अरेंज इन एट एंथोलॉजीज कॉल्ड एटुटुगई। ये एकदम सही है फ्रेंड्स, हम लोग ने कल इसको डिस्कस किया था एटुटुगई के बारे में, जो जिसमें बताया गया था 8 एंथोलॉजीज रहता है, और इसमें 30,000 लाइन्स ऑफ अ पोएट्री अरेंज्ड है। और देयर आर टू मेन ग्रुप्स, पेटिन पेटिन किल कनक्कू द 18 लोअर कलेक्शन एंड पट्टू द 10 सॉन्ग। ये भी सही है फ्रेंड, द लेटर इज जनरली अज्यूम टू बी ओल्डर देन फॉर्मर। ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा द फॉर्मर इज जनरली अज्यूम टू बी द लेटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 एंड 2 विल द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सारा आपका एटुटुगई के बारे में बताया गया, और ये जो 10 सॉन्ग्स है पेटिन कनक्को में, जो आपका 18 लोअर कलेक्शन है, और आपका पट्टू पट्टू में जो 3 सॉन्ग है, तो यही आपको सारा को बताया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस फंड, पीएम केयर फंड। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज ऑफ द फंड। The fund consists entirely of a voluntary contributions from individual, organization. PM Care funds accept donation and contribution from individual and organization based in a foreign countries. Which of the following statement given above is are correct? तो ये तीनों ही सही होगा फ्रेंड्स, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ऑल द थ्रीज आर करेक्ट। तो ये आपका कोविड-19 के लिए निकाला गया था, तो कोई भी आपका इसके लिए फंड दे सकता है, कोई भी एलिजिबल है फंड देने के लिए। हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर दी नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन। तो अलेक्जेंडर जब आपका अटैक किया था, तो कौन सा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी। अलेक्जेंडर कब यहाँ से निकलता है, कब अटैक करता है? 326 BC में, ठीक है। 326 BC में आपका क्या होता है? बैटल ऑफ हाइडा पास। किससे किसके साथ लड़ा जाता है? पोरस के साथ लड़ा जाता है फ्रेंड्स। किसके साथ लड़ा जाता है? पोरस के साथ लड़ा जाता है, बैटल ऑफ हाइडा पास, ठीक है, पोरस के साथ लड़ा जाता है। और बेबीलोन में सिकंदर का, जैसे कि अलेक्जेंडर का मौत हो जाता है फ्रेंड्स। मौत मतलब बताया जाता है कि वो बीमार पड़ गया था, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और अलेक्जेंडर के पिता का नाम क्या है? फिलिप्स, फिलिप्स, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चोला किंगडम। द चीफ सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पावर लीड एट मडुराई। द चोला किंगडम सिचुएटेड बिटवीन द पेन्नर एंड द वेल्लर रिवर।
तो आपका टू सही है, वन इनकरेक्ट है। मदुरई नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आपका मदुरई नहीं होगा, ये उरायूर होगा। ठीक है, ये आपका उरायूर होगा, उराय या उर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजेंद्र वन, ही री एसर्टेड द चोला अथॉरिटी ओवर द चेरा पांड्या किंगडम, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ गंगाई चोलापुरम टू कोमोमरेट हिज इन्वेजन टू नॉर्थ इंडिया। दोनों सही है फ्रेंड्स, ये बनाया था एक गंगाई कोंडा चोलापुरम, और आपका चेरा पांड्या सबके ऊपर में ये भारी पड़ा था, और इसको अपने अंदर में वो अपना सुप्रीम अथॉरिटी आप साबित किया था। ओके फ्रेंड्स, और राजेंद्र का जो पीरियड है आपका राजेंद्र वन का 10-12 से लेकर के आपका 1044 AD तक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा खासा ये रूल किया था फ्रेंड्स, श्रीलंका में भी आपका पूरा एकदम अच्छा खासा सीज कर दिया था, चालुक्या को भी ऊपर में हराया था, तो चालुक्या और इसके बीच में आपका तुंगभद्रा रिवर एक बाउंड्री साइन हो जाता है कि आप लोग मतलब एक बाउंड्री तरीका से साइन हो जाता है आपका चोला और चालुक्या के बीच में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वाज वेयर यूज बाय द 15th फाइनेंस कमीशन डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ द स्टेट, द पॉपुलेशन ऑफ इन 2011 सेंसेस, इनकम डिस्टेंस, टैक्स एफर्ट, एरियाज ऑफ द स्टेट, 1, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपका सारा ही सही है फ्रेंड्स, ये आपका पॉपुलेशन ऑफ, ये आपका जितना भी ऑप्शन दिया है सब सही है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख सकते हो, मैंने इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और ये आपका जो फाइनेंस कमीशन आपका कहाँ से आ जाता है, आर्टिकल 280 के तरह, 288 के तहत, जैसे कि आपका बजट पेश होता है तो इसमें बताया जाता है, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, तो आप लोग ये देख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुंगास, तो संगास जो था फ्रेंड्स, तो द फाउंडर ऑफ द संगास डायनेस्टी वॉज पुष्यमित्र संगा, फिर पुष्यमित्र वॉज द स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ अ ब्राह्मणिज्म एंड अगेंस्ट बुद्धिज्म। तो देखिए, पुष्यमित्र सुंगा आपका ब्राह्मणिज्म को तो ठीक है मानता था, लेकिन अगेंस्ट बुद्धिज्म का अगेंस्ट कभी नहीं था, बुद्धिज्म के लिए बहुत कुछ किया है पुष्यमित्र सिंगा सुंगा, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन टू विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया जैसे कि, हाँ देखिए, पुष्यमित्र पुष्य ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए, पुष्यमित्र वॉज द स्टंच फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ही परफॉर्म्ड टू अश्वमेघ सेक्रीफाइस, बुद्धिस्ट सोर्स रेफर हिम एज अ परसिक्यूटर ऑफ अ बुद्धिज्म, बट देयर इज अ इनफ एविडेंस टू शो दैट पुष्यमित्र पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट आर्ट, हेंस स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ठीक है, और ये आपका सुंगा डायनेस्टी आपका कब आता है, सुंगा डायनेस्टी आपका देख लीजिए, द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी वॉज पुष्यमित्र सुंगा हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द चीफ अंडर द मौर्यज, तो मौर्यज के अंडर में ही थे, तो मौर्यज को ओवरथ्रो करके ये लोग सुंगा डायनेस्टी आपका एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और ये आपका बैक्टेरियन बैक्टेरियन किंगडम से मतलब जो इंडिया में अटैक हुआ था तो इससे भी बचाए थे ये लोग, नॉर्थ वेस्ट से जो आया था बैक्टेरियन ग्रीक्स लोग। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉरपोरेशन ऑफ अ मर्चेंट्स इन एंशियंट इंडिया, तो कॉरपोरेशन ऑफ द एंशियंट इंडिया में कौन सा होगा फ्रेंड्स, मनीग्रामा, मनीग्रामा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल करके आता है, तो मनीग्रामा वॉज अ लार्ज इन्फ्लुएंस गिल्ड ऑफ अ साउथ इंडियन मर्चेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ वेस्टर्न चालुक्या रूलर इन 10th to 12th century CE। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चोलाज, द टेम्पल रिमेन सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एजुकेशन वॉज अ रैपिड डिक्लाइन ड्यू टू द फॉरेन इन्वेजन, कास्ट सिस्टम वॉज ब्रिटल एंड जॉब्स वेयर असाइन बेस्ड ऑन द मैरिट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ओनली वन करेक्ट है। ठीक है, तो देख लीजिए, कास्ट सिस्टम वॉज वाइडली प्रेवलेंट ड्यूरिंग द चोला पीरियड, ब्राह्मणिज्म एंड क्षत्रिय इंजॉय स्पेशल प्रिवलेजेस, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द लेटर पीरियड ऑफ द चोला रूल मेंशन अबाउट टू मेजर डिविजन अमॉन्ग द कास्ट वालंगई एंड आपका यहाँ पर आ जाएगा एडंगई कास्ट, तो स्टेटमेंट थ्री आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, कास्ट सिस्टम वॉज ब्रिटल एंड जॉब्स वेयर असाइंड बेस्ड ऑन द मेरिट, और आपका एजुकेशन वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंट, तो एजुकेशन तो था ही इम्पोर्टेंट, तो सो रैपिड डिक्लाइन नहीं हुआ था फ्रेंड्स, तो एजुकेशन अच्छा खासा फैला ही था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोवैक्सीन, तो
तो ये बहुत ही अभी अभी का ही न्यूज़ में है फ्रेंड्स। इट इज़ अ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्रिएटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ इन्फेक्शियस सार्स कोविड टू वायरस। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इन अ कोलेबोरेशन विद ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV। तो बोथ वन एंड टू विल द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोक धाम। अशोक धामा, तो धामा वॉज अ वे ऑफ अ लाइफ ऑफ अ कोड ऑफ अ कंडक्ट एंड सेट अप अ प्रिंसिपल टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल ही इक्वेटेड। धामा वॉज द बुद्धिस्ट टीचिंग। देखिए धामा ऑल दो आपका ये सिमिलर तो था बुद्धिस्ट की तरह, लेकिन ये कभी अशोक इक्वेट नहीं किया था बुद्धिस्ट से। तो ऑप्शन टू आपका ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट। तो अशोक का धामा में बताया क्या गया है कि देखिए, सर्विस टू अ फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव, ट्रूथ, रेवरेंस टू अ टीचर एंड अ गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव, फिर प्रोहिबिशंस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, फेस्टिव गैदरिंग एंड अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, फिर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डायरेक्शन ऑफ अ सोशल वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ अ धम्म यात्रा। फिर आपका फोर्थ नंबर पर देख सकते हैं आप लोग, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ अ सर्वेंट बाई मास्टर्स एंड प्रिजनर्स बाई अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस ऑफ एनिमल एंड कॉर्टेसी टू रिलेशंस एंड लिबर्टी टू अ ब्राह्मीन्स, टॉलरेंस अमॉन्ग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, कॉन्केस्ट थ्रू धामा इंस्टेड थ्रू वॉर। तो मतलब प्यार से सभी को जीतना है बिना लड़ाई किए हुए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जितना भी धर्म के प्रति आपको, हर धर्म के प्रति आपको टॉलरेंस रखना पड़ेगा, कोई भी धर्म को बताना नहीं पड़ेगा आपका धर्म अच्छा है मेरा धर्म खराब है, इस तरीके से कुछ नहीं है। किसी का धर्म अच्छा है खराब है ऐसा किसी को नहीं बोलना है, आपको उसका धर्म को रिस्पेक्ट करना और साथ साथ अपना धर्म को भी फॉलो करना है, यही सब चीज़ बताया गया है। लेकिन ये कभी देखिए सिमिलरिटी तो दिखने को मिल जाएगा आपको कुछ भी कुछ बुद्धा की तरह, लेकिन ये कभी इक्वेट नहीं किया था अपना धर्म को बुद्धा का, बुद्ध अशोक का धामा कभी भी इक्वेट नहीं किया गया था बुद्धा बुद्धा से, इतना याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुप्ता। गुप्ता वेयर पॉसिबली फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशानास इन यूपी। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त वन। मेहरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्त वन एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त वन नहीं थे फ्रेंड्स, ये आपका श्रीगुप्त थे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त वन जो है पूरा अच्छा खासा नींव रख दिए थे और सबसे पहला टाइटल ये लिए थे महाराज अधिराज का, ठीक है। और श्रीगुप्ता जो थे उनको हम लोग बोलते हैं महाराजा, ठीक है। और उसके उसके बाद उनके बेटे आते हैं घटोत्कच, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि बात किया जाए, तो ये देखिए कहाँ गया, एक मिनट, हाँ देखिए द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी आपका श्रीगुप्त है, ठीक है। और इसको सक्सीड करने वाले घटोत्कच थे, ठीक है, ये दोनों महाराज कहलाते हैं। बाद में ये आपका कौन आते हैं, चंद्रगुप्त वन आते हैं, ठीक है। इनको ये अपने आप को महाराज अधिराज बोलते हैं, द ग्रेट किंग ऑफ किंग। और मेहरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त वन इज कंसिडर टू बी अ फाउंडर ऑफ द गुप्ता एरा विच स्टार्ट विथ हिज एसेशन इन AD 320। और गुप्ता के बारे में बताया जाता है गुप्ता जो थे वो पॉसिबली फ्यूडेटरीज थे कुशांस के, ठीक है, कुशांस के ये लोग फ्यूडेटरीज थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर टोमराज राजपूत। रजिया वॉज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ अ दिल्ली सल्तनत। चंगेज खान अटैक इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अ कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड तो ऐसी गलत है फ्रेंड, फिरोज थर्ड तो अलाउद्दीन खिलजी और आपका इसमें अटैक मारा था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में अटैक मारा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा थर्ड वाला। सेकंड सही है फ्रेंड्स, सेकंड आपका सही है और फर्स्ट भी सही है। देख सकते हैं आप लोग सारा पीरियड बताया गया टोमराज के अंदर में, आपका 1165 में चला था, अंगापाला 1130 से आपका 1145 में था, चौहान 1165 से 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया 1175 से 1192 में, मोहम्मद गौरी हटाता है तो मोहम्मद गौरी का जो स्लेब आकर के राज करता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में, फिर उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र लेडीज थी, तो वो आपका 1236 से 1240, लेडी मतलब जो
सुल्तान बनी थी, ठीक है। उसका गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, इसी को बोलते हैं, इसको क्या बताया गया था, शॉर्ड और आयरन का एक पॉलिसी बताया गया था, मतलब कुछ ऐसे ही था, मेरे को वो याद नहीं आ रहा वो पॉलिसी का नाम, ये क्या अपनाया था, शॉर्ड आयरन करके कुछ एक पॉलिसी था, खून करके था, रेड ब्लड शॉर्ड आयरन करके। तो आप एक बार देखिएगा गियासुद्दीन बलबन के बारे में, उसका क्या पॉलिसी हुआ करता था, ठीक है। और आपका जलालुद्दीन खिलजी हो गया 1290 से 1296, फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर अगर उसके बाद बात किया जाए तो तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर के 1414 आता है, गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, ठीक है। फिर सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, खीर खान 1414 से 1421 तक राज करता, फिर लोदी डायनेस्टी 1451 से 1526, इसमें बहलूल लोदी 1451 से 1489। लास्ट में आपका इब्राहिम लोदी को हरा करके कौन आ जाता है, बाबर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गीज गोल्डन लंगूर। इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ वल्नरेबल इन आयोसियन रेड लिस्ट। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर गोल्डन लंगूर इन इंडिया। तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, 1, 2, 3, 1 एंड 3, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 3, 3 ओनली बी द करेक्ट आंसर। ये आपका आयोसियन लिस्ट में नहीं है, आयोसियन लिस्ट में है लेकिन वल्नरेबल कैटेगरीज में नहीं है, ठीक है, वल्नरेबल। और ये सही है, और ये आपका वेस्टर्न घाट में नहीं है, आपका आसाम के तरफ मिलता है हम लोग को, आसाम का नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, तो वेस्टर्न रीजन ऑफ आपका आसाम में पाया जाता है। और ये आयोसियन में इनडेंजर्ड लिस्ट में है, ना कि वल्नरेबल लिस्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। और यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो आपका यहाँ पे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको मेजरली पाया जाता है, कहाँ पर है, ये डुबरी कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो है आपका आसाम का, तो यहीं पे ये मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर द लीडरशिप ऑफ चूड़ामण जट्स एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर अ टेरिटोरीज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली इन लेट 16th सेंचुरी। मराठास वेयर लार्जली नोन फॉर देयर एंडलेस मिलिट्री कैंपेन। मराठास वंस कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे पंजाब एंड राजस्थान। तो यहाँ पर आपका मराठास तो कंट्रोल किया था पंजाब और राजस्थान को, तो एकदम सही है। और मराठास वेयर लार्जली नोन फॉर देयर मिलिट्री कैंपेन, ये भी सही है फ्रेंड्स, तो 2 एंड 3 सही है। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, जट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चूड़ामण एंड जट्स एक्वायर द कंट्रोल ऑफ द, ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ये आपका एकदम गलत है, ये 16th सेंचुरी में नहीं होगा फ्रेंड्स, ये लेट 17th सेंचुरी में होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, लाइक द स्टेटमेंट स्टेट्स दैट जट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी अंडर देयर लीडर चूड़ामण, दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर अ टेरिटरी सिचुएटेड टू वेस्ट। और यहाँ पर क्या बताया गया, 16th सेंचुरी, तो 16 नहीं होगा फ्रेंड, लेट 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, और बिगनिंग जो 18th सेंचुरी था तो उसमें आपका किया था ये। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड अ क्रिमिनल लॉ वॉज क्लियरली डिमार्केटेड। द गिल्ड्स ऑफ द आर्टिशियन मर्चेंट्स एंड अदर वेयर गवर्न बाई देयर ओन लॉज। द गुप्ता ब्यूरोक्रेसी वॉज मोर एलोबोरेट दैन दैट ऑफ द मौर्य। तो करेक्ट आंसर 1 एंड 2 होगा फ्रेंड्स, देखिए ये आपको ऐसे याद रखिएगा, गुप्ता ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा एलोबरेट तो होगा नहीं, क्योंकि मौर्य के पास क्या था फ्रेंड, मौर्य के पास कौटिल्य था, तो कौटिल्य कौटिल्य बहुत अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताया है अपने अर्थशास्त्र में, तो ये आपका मौर्य में सबसे बेटर हुआ करता था। और सिविल और क्रिमिनल लॉ, हाँ इनके दौरान बहुत अच्छा खासा डिमार्केट हुआ था। द गिल्ड्स ऑफ द आर्टिशियंस मर्चेंट्स एंड अदर वेयर गवर्न बाई देयर ओन लॉ, ये भी सही है। तो यहाँ पर वही चीज़ डिस्कस किया गया फ्रेंड जो मैंने आपको बता दिया, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का अगर बात किया जाए तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुशांस। द अर्ली कुशांस किंग इशूड न्यूमेरियस गोल्ड क्वाइंस विद अ हायर डिग्री ऑफ अ मेटेलिक प्योरिटी
देन इज फाउंड इन दी गुप्ता गोल्ड कॉइन। कनिष्क स्टार्टेड एन एरा इन AD 78 विच इज नोन एज दी साका एरा एंड यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका दोनों सही है फ्रेंड्स, बोथ वन एंड टू विल बी द करेक्ट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कनिष्क आपका 78 AD में आता है। श्वे गैस फील्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड, ये आपका अंडमान सी में लोकेटेड है। ठीक है, अंडमान सी में आपका लोकेटेड है, ये करंट न्यूज का क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजपूत विच ऑफर्ड प्रोटेक्शन टू कल्टिवेशन ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स। महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड डिवाइडेड सिख ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। तो ये आपका सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका सिस्टम ऑफ राखीवास जो इंट्रोड्यूस किए थे वो राजपूत नहीं थे, ठीक है, वो आपका सिख लोग थे। तो जो कि मानते मांगते थे 20% अपने जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसान लोग से, तो उसका 20% मांगते थे ताकि उनका जो भी लैंड वगैरह है तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे वो लोग। ठीक है, तो उसी वही चीज को हम लोग क्या बोलते थे, राखीवास बोला जाता था। ठीक है, देखिए, अंडर द नंबर ऑफ अ एबल लीडर्स इन 18th सेंचुरी द सिख ऑर्गेनाइज देम सेल्फ इन टू अ नंबर ऑफ अ बैंड। तो ये बैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बैंड्स को बोला गया था जटास। ठीक है, जट एज एंड लेटर ऑन उसके बाद में बोला जाता है जट्स, यही जटास को जट्स को बोला जाता है। मिसेल्स देयर कंबाइंड फोर्स वेयर नोन एज द ग्रैंड आर्मी, दल खालसा इसको बोला जाता था, और द इंटायर बॉडी यूज टू मीट अ अमृतसर एट अ टाइम। तो ये लोग मिलते कब थे, बैसाखी के दौरान या फिर दिवाली के दौरान, और कुछ भी अच्छा खासा रेजोल्यूशन लिया करते थे, गुरु मतास जैसे कि बताया था, रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु और गुरु मतास। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वास इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये कम से कम 20% लेंगे कल्टिवेटर्स लोग का, और फिर बदले में ये बहुत अच्छा खासा इनको प्रोटेक्ट करेंगे। और हालांकि फ्रेंड्स ये लोग जो टैक्स लेते थे तो इससे बहुत अच्छा खासा काम भी करते थे, ये अपने ऊपर नहीं लुटाते थे, ये बहुत अच्छा गरीबों का कल्याण करते थे, भूखे लोगों को खाना खिलाते थे। और महाराजा रंजीत सिंह जो थे बहुत ही काबिल रूलर थे ये महाराजा रंजीत सिंह। तो ब्रिटिश में इनका सामना नहीं करना चाहता था महाराजा रंजीत सिंह से। तो जो सिख टेरिटरी था ना, जो बहुत छोटा छोटा पार्ट में बटा हुआ था, तो बाद में जाकर के ये छोटा छोटा पार्ट को सबको सेंट्रलाइज करते हैं कौन, महाराजा रंजीत सिंह। और 1799 में ये अपना कैपिटल बताते हैं, यहाँ पर कहाँ पर कैपिटल बताते हैं, लाहौर में कैपिटल बताया जाता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हेरिडिटी सक्सेशन टू दिल्ली सल्तनत वॉज इनहेरिटेड बाई इनिशिएटेड बाई सॉरी इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बींग चूजन एज अ सुल्तान बाई द नॉबल्स। फिरोज तुगलक वॉज द ओनली दिल्ली सुल्तान हु हैड रिसीव्ड अ कम्प्रिहेंसिव लिटरेसी रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपका वन सही है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक है द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ अ बींग चूजन एज अ, तो मोहम्मद तुगलक नहीं था, ये फिरोज तुगलक था फ्रेंड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इल्तुतमिश, तो एक मिनट, हाँ, इल्तुतमिश तो ये किसकी, इल्तुतमिश की बेटी जो थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया, उसी को सुल्तान बनाया जाता है ना। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन वन सही है। ठीक है, तो इल्तुतमिश नॉमिनेटेड इज द डॉटर ऑफ द रजिया एज हिज सक्सेसर, दस द हेरिडिटरी सक्सेसर आपका दिल्ली सल्तनत में इसी के द्वारा आया जाता। बाकी इससे पहले आपका स्लेव वगैरह जो रहता था वही लोग रूल करता था। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका बात कर रहे हैं हम लोग, और फिरोज तुगलक हैड अ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ अ बींग चूजन एज अ सुल्तान बाय द नोबल। तो आफ्टर द डेथ, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ के बाद इसको कौन, फिरोज तुगलक को कौन बनाया था, नोबल्स लोग इसको सेलेक्ट किए थे एज अ रूलर। ठीक है, ही अपॉइंटेड, अब ये आपका कौन है, किसको अपॉइंट करता, खान ए जहां मकबल, अ तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्टेड एज अ, तेलुगु ब्राह्मण को यहाँ पे वजीर में कन्वर्ट किया करवाया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर के काम करता है ये तेलुगु ब्राह्मण। द वजीर हेल्प द सुल्तान टू इन ही, अब देखिए वजीर क्या चीज में हेल्प करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, प्रेस्टीज बनाने में, प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान को मेंटेन करवाने में इसका हेल्प करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का अगर बात किया जाए तो 1325 से 1351 में थे ये। ही वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव कैरेक्टर, और ये बहुत ही पढ़े लिखे थे फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे,
और मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द ओनली दिल्ली सुल्तान हु हैड रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी रिलीजियस। तो देख रहे ना, फिलोसफिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो और मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, यहाँ पर आपका फिरोज शाह तुगलक होगा, फिरोज तुगलक, ठीक है। एक बार इसका देख लिया जाए तो ही वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव कैरेक्टर इन हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया। ही इज एम्बिशियस स्कीम द नोबल एक्सपेरिमेंट, ही इंटरप्राइजेज द नोबल एक्सपेरिमेंट एंडेड इन अ मिजरेबल फेलियर बिकॉज दे वेयर ऑल फॉर अहेड। ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट रिलीजियस मैटर, ठीक है। फिरोज तुगलक का बात भी हम लोग कर ही लिए, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फाउंडर द शाका रूल इन इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी BC वॉज गोंडे फेरेंस। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अ माउस सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया। तो ये आपका दोनों ही इनकरेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अ माउस सेंट थॉमस नहीं आया था फ्रेंड्स, गोंडे फेरेंस आया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, द साकाज और द सिंथियंस अटैक द बैक्टेरियन एंड पार्थियस एंड कैप्चर्ड देम फ्रॉम द ग्रीक रूलर फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ द ग्रीक। द साकाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर रूल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। देयर वेयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, साकाज द नॉर्थ टर्न स्ट्रैपर्स रूलिंग फ्रॉम तक्षशिला एंड वेयर स्ट्रैपर्स रूलिंग ओवर महाराष्ट्र। द फाउंडर ऑफ द साका रूलर जो थे इंडिया में BC वॉज मॉस, सही बात है ये। और इनका जो सक्सेसर है हिज सन एंड सक्सेसर वेयर अजीज वन हु हैज कंसीडर टू बी द फाउंडर ऑफ विक्रम एरा। इन्हीं को बताया जाता है, विक्रम एरा इन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो स्टेटमेंट वन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साका रूलर के फाउंडर आपका माउस है, कौन है, माउस है। और यहाँ पर ड्यूरिंग द रीन ऑफ द माउस सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया। सेंट थॉमस नहीं आया था फ्रेंड, गोंडे फेरेंस आया था। तो गोंडे फेरेंस केम टू इंडिया। द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग जो थे वॉज गोंडे फेरेंस, ड्यूरिंग हुज रेन सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन कोर्स ऑफ द टाइम ऑफ द पार्थियंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेंगोलिन स्पीसीज। पेंगोलिन आर ए स्केली स्किन्ड मैमल्स, बोथ इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन स्पीसीज आर लिस्टेड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट। पेंगोलिन स्केल्स आर यूज इन अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये आपका 1 और 3 विल द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया इंडिया का जो पेंगोलिन है ये आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आपका चाइनीज जो है वो आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। नहीं सॉरी, इंडिया पेंगोलिन आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और चाइनीज आपका वल्नरेबल कैटेगरीज में है, ठीक है। तो चाइनीज आपका वल्नरेबल नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो चाइनीज लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं कि हम अब इनको बचाएंगे, बहुत अच्छे से सेफ गार्ड रखेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये इनका जो प्रोडक्ट है इसका मेडिसिन में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, और बाकी चाइना लोग इनको खाना भी मीट के तौर पर पसंद करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फायान विजिट। तो फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ द चंद्रगुप्त टू, सही बात है। द मेन पर्पज ऑफ हिज विजिट वॉज टू सी द लैंड ऑफ द बुद्धा एंड टू कलेक्ट अ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी सही है। द मोस्ट द ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल पॉलिटिकल अफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या इसका, ही वॉज नॉट, सही बात है। मतलब वो आप उसका मतलब फायान का कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिकल अफेयर में, उसको कोई मतलब नहीं था फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, और ये कहीं पे भी चंद्रगुप्त वन का अपना जो भी मतलब रिकॉर्ड है इसके द्वारा, तो उसमें कहीं पे नाम मेंशन नहीं किया चंद्रगुप्त वन का, चंद्रगुप्त सॉरी टू का। विथ रेफरेंस टू अ मेडिवल इंडिया रूलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट टाइम सेट अप अ सेपरेट अरीजेज डिपार्टमेंट। बालबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ अ हॉर्स इन हिज मिलिट्री। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाई हिज अंकल टू द मिलिट्री। फिरोज तुगलक सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ अ स्लेव। तो करेक्ट आपका फ्रेंड्स ये हो जाएगा, फिरोज तुगलक वॉज सेपरेट डिपार्टमेंट, नहीं, ये आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स। एक मिनट रुकिए, मुझे याद नहीं आ रहा,
नहीं, सही है सही है, ये वाला सही है। फिरोज शाह सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्लेव, ये सही है, जिसका नाम दीवाने बंदगा था। और मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज कजन नॉट अंकल, ठीक है, तो इसके कजन के द्वारा सक्सीड होता है। और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आपका इंट्रोड्यूस करता है ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्स इन हिज मिलिट्री, ठीक है। चौहट और सरदेशमुखी वेयर टैक्स कंसीव्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ, तो ये किसके द्वारा लगाया जाएगा फ्रेंड्स, ये तो मराठा लोग के द्वारा। मराठा में आपका कौन आ जाएगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का बात कर रहे हैं, जहांगीर, शिवाजी बाजी, बालाजी बाजीराव, माधव राव, तो ये आपका शिवाजी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अल्बिनिज्म डिजीज, इट इज अ रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रेजेंटली देयर इज अ नो क्योर फॉर अल्बिनिज्म, ये आपका दोनों ही सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो दोनों ही सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्किन, हेयर और आई का जो प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर प्रॉब्लम होता है, जिसमें कलर 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 फेड करने लगता है स्किन का, तो ये आपका एल्बिनिज्म है। और इसका भी कोई प्रिकॉशन वगैरह तो निकला नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आपका दोनों ही सही है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं।